म्याना के पद्मनखेड़ी निवासी एक बच्ची जो 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से स्कूल पढ़ाई करने जाती थी और जब कभी पानी गिरने की वजह से नाला चढ़ जाता था तो वह पैदल स्कूल जाती थी, उसने टॉप किया। जैसे ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए, छात्र छात्राओं में खुशी का अलग ही माहौल था। ऐसे में इन्हीं में एक मुस्कान यादव भी थी, जिसने एग्रीकल्चर में ज़िले में अव्वल दर्जा हासिल किया है। मुस्कान यादव ने 91.4% हासिल किए हैं। बता दें कि मुस्कान अपने स्कूल से घर की दूरी 4 किलोमीटर बताती है, वहीं ये दूरी वह साइकिल से पूरी करती थी और जब कभी बारिश होने की वजह से नाला चढ़ जाता था तो वह पैदल स्कूल जाती थी, पर कभी भी स्कूल से गैप नहीं किया। मुस्कान ने अपनी टॉप आने का श्रेय अपने माता पिता, परिजन और अपने स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया है। म्याना के दिव्यांश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्कान के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही रिजल्ट आया, स्कूल संचालक और स्टाफ ने मुस्कान का सम्मान किया। आपको सुनाते हैं कि मुस्कान क्या कहती है अपनी पढ़ाई के बारे में। म्याना से सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। मुस्कान, ये जानकारी दो, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ। और जैसे आपने जिला टॉपर किया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। जिला टॉप करके आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही है, कैसा लग रहा है? जिला टॉप करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर जो छात्र सोच सकता है वो कर भी सकता है। गाँव से मैं साइकिल से आती थी, हमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैंने कभी जीवन में हार नहीं मानी। जो जीवन में हम सोच सकते हैं ना, वो कर ही सकते हैं। अब आपके गांव में कैसा माहौल है, क्योंकि आपने पहली बार जिला टॉप किया है? हमारे गाँव में सभी बहुत खुश हैं, सभी का बहुत नाम हुआ है गांव का, हमारे शिक्षकों का, स्कूल का, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जीवन में बहुत खुशी की बात होती है कि एक छात्र की वजह से एक शिक्षकों का नाम रोशन होता है। इस छात्र के मन में बहुत गर्व की बात होती है। क्या नाम है तुम्हारा, कौन से स्कूल में अध्ययनरत हुआ? हमारा नाम मुस्कान यादव है और मैं दिव्यांश पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल म्याना से पढ़ती हूँ। धन्यवाद।